फतेहपुर जिले के खागा तहसील विजयपुर ब्लॉक स्थित सबसे घनी आबादी वाले गांव सरौली का आज दोपहर कड़ती धूप में मुख्य विकास अधिकारी चांदनी सिंह और परियोजना निदेशक अशोक कुमार निगम बीडीओ गोपीनाथ पाठक समेत ब्लॉक की पूरी टीम ने आकस्मिक निरीक्षण किया। खामियां मिलने पर जमकर फटकार लगाई। चांदनी सिंह के आकस्मिक निरीक्षण में सैकड़ों शिकायतकर्ताओं की लाइन लग गई और आवास शौचालय में घपलेबाजी की बात सामने आई। कुछ ग्रामीणों ने पैसा लेने का आरोप लगाया तो कुछ ने नाम बदलकर अपने लोगों को आवास देने का मामला प्रकाश में आया। सीडीओ और परियोजना निदेशक ने पूरी टीम के साथ कड़ती धूप में पूरे गांव में लगभग एक घंटे गली गली घूमकर निरीक्षण किया और आवास शौचालय मॉडल शौचालय में खामियां मिलने पर प्रधान प्रतिनिधि अतुल सिंह और सचिव राजकुमार सिंह को फटकार लगाई और हिदायत दी गई कि अगर सुधार नहीं हुआ तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आइए सुनाते हैं क्या कह रही हैं सीडीओ चांदनी सिंह। एमपी यूजकास्ट ब्यूरो संजय पटेल कैमरामैन सुमित के सरवानी के साथ। कोई शिकायत नहीं, कोई खामी है या किसी प्रकार की? एक दो नाम निकले हैं ऐसे जी, जिनका हम चेक करा रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, उसके बाद वो डिटेल आपको मेरे निरीक्षण आपको होना। पात्र भी कुछ मिले हैं? नहीं, किसी कोई ऐसा नहीं मिला है जिसको गलत दिया गया जी। एक नाम ऐसा है जो ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टया कि किसी और के नाम पे किसी और को मिल गया, उसकी हम जांच करा रहे हैं जी। और एक ऐसा मिला है जो जिसका बताया गया है कि वो उसका दूसरा घर आबादी में जी, उसको भी हम चेक करा रहे हैं। और बाकी ऐसा कोई नहीं था कि और शौचालय के संबंध में मॉडल शौचालय के संबंध में स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं पाई है जी। जैसे कि प्रधान जी ने बताया है कि यहाँ पे पैसा सीमित जो आया था वो जो बगल में राजस्व ग्राम में पहोड़ा में वो पैसा गया है और यहाँ के लिए अभी एलोवेटर की भी फीडिंग हुई है, उसके सापेक्ष जो पैसा मिला है उससे निर्माण शुरू करा दिया है। और प्रधान को हमने ये निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द प्रधान और सचिव यहाँ पे चेक वितरण का कार्यक्रम कराएंगे। जो भी पात्र लाभार्थी हैं सबको 12,000 की चेक वितरित करेंगे और शीघ्र ही यहाँ पे शौचालय निर्माण के लिए संपत्तिकरण हासिल करेंगे। थैंक यू।